हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंजीनियरिंग हैक्स पे। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम सीखने वाले हैं रिवॉल्व कमांड के बारे में। जी हाँ, सॉलिड वर्क्स में रिवॉल्व कमांड आल्सो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब कभी भी आपको एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाना हो, ठीक है, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स शेप का हो बट वो हो एक सर्कुलर फॉर्म में, तो हम वहाँ पर यूज करते हैं रिवॉल्व कमांड। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप फोर व्हील या टू व्हील किसी का भी अगर आप व्हील बना रहे हो या एलॉय व्हील बना रहे हो या फिर टायर बना रहे हो, ठीक है, देखते हैं से तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है बट वो से बहुत ही ईजिली वे में बन जाता है रिवॉल्व कमांड से। अगर आपको सर्कुलर बॉटल बनाना हो या फिर पिस्टन बनाना हो, किसी भी टाइप का अगर आपका शेप हो ना जो सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो बनाने के लिए बेस्ट वे आप रिवॉल्व कमांड यूज करो, ठीक है। सो रिवॉल्व कमांड किस तरीके से यूज करा जाता है सॉलिड वर्क्स में, उसको हम सीखते हैं। सो आओ देखते हैं कैसे होता है। फाइल न्यू, हमें कहाँ जाना है, पार्ट मॉडलिंग में, ठीक है, क्योंकि सॉलिड मॉडलिंग में वो चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे। हमने सिंपल एक प्लेन चूज कर लिया और हमने स्केच किया, हमें यहाँ पे इसको रिवॉल्व कमांड से परफॉर्म कराना है। सो सबसे पहले एक रेफरेंस एक्सिस में ले लेता हूँ, ठीक है, ये है मर्जी आपकी किस तरीके से लेते हो, ठीक है। ना एक शेप बना लेते हैं कि किस तरीके का आपको ऑब्जेक्ट में रिवॉल्व कराना है। तो मैं एक जनरल सा शेप लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ओके, कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, हमें क्या चेक करना है, बहुत ही सिंपल वे में, जैसे एक्सट्रूड में आपने सीखा था कि हमें ये चेक करना है कि ये ऑब्जेक्ट क्लोज है या नहीं है। चेक करने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप सेलेक्टेड स्केच कंटूर्स को ऑन कर लो, इससे पता चल जाता है कि आपका ऑब्जेक्ट क्लोज है या नहीं है, ठीक है। इसको हमने ऑफ कर दिया। अब क्या करना है आपको, इसके से बाहर आ जाना है। तीन बेस कमांड वो तो करने ही करने हैं। पहला क्या, प्लेन सेलेक्ट करके स्केच करना। दूसरा क्या, ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, किस शेप का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तीसरा क्या है, स्केच से बाहर आना, ठीक है। अब हमें इस पर क्या लगाना है, रिवॉल्व कमांड अप्लाई करना है, तो रिवॉल्व कमांड पर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे रिवॉल्व कमांड पर आप सेलेक्ट करते हो, ये एक मैसेज देता है, कहता है सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना है, अ प्लेन ऑन विच टू स्केच द फीचर्स क्रॉस सेक्शन। एक ऐसा प्लेन चूज करो जहाँ पे फीचर्स क्रॉस सेक्शन को आप स्केच करोगे यानी ड्रॉ करोगे, यानी क्रॉस सेक्शन यानी क्लोज एरिया बनाओगे, ठीक है, या फिर ऑलरेडी कोई स्केच है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमारे पास ऑलरेडी स्केच है, मैं उसको क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। जैसे स्केच को सेलेक्ट किया, ये बाय डिफॉल्ट रिवॉल्व होने लगा। क्यों रिवॉल्व होने लगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसने जो भी जिस भी एज को सेलेक्ट किया, जिस भी लाइन को आप सेलेक्ट कर रहे हो, उसको उसने क्या कर दिया है, एज अ एक्सिस एज्यूम कर लिया, ठीक है। उस एक्सिस को सेलेक्ट करके उसने रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। कैसे पता, अगर मैं रिवॉल्व पर क्लिक करूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर दूँ, तो उसके अबाउट वो रिवॉल्व होने लगेगा, ठीक है। अगर मैं रिवॉल्व को सेलेक्ट करूँ, इस लाइन को सेलेक्ट कर दूँ, तो उसके अबाउट वो रिवॉल्व होना लगेगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जिस भी एज या जिस भी लाइन को आप सेलेक्ट करोगे ना, उसके अकॉर्डिंग वो रिवॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो हमें क्या करना है, किसके अबाउट रिवॉल्व करना है, हमने जो सेंटर ये बनाया ना, इसके अबाउट रिवॉल्व करना है, तो रिवॉल्व और उस एक्सिस को आप क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सेलेक्ट करोगे तो वो रिवॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर हमें समझने वाली बात होती है कि एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि हमेशा हमें क्या देखना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन या रिवॉल्यूशन में जिस एक्सिस को आप सेलेक्ट करो और जो स्केच है उसके बीच का जो स्पेस होता है ना, उस पे वो डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्ट का इंटरनल होल या इंटरनल शेप कैसा होने वाला है, ठीक है। अगर आपको इंटरनल होल रखना है, इंटरनल डाया रखना है, तो उसके बीच में स्पेस रखना, ठीक है। अगर नहीं रखना है, सो इस एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन को हटाओ और इस उसी स्केच पे किसी स्केच को सेलेक्ट कर दो, तो आपका ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट सॉलिड फॉर्म में फॉर्म होगा, ठीक है। सो इस तरीके से एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन और स्केच को आप बनाते हो, ठीक है। बाकी के जो फीचर्स हैं बिल्कुल सेम है जैसे एक्सट्रूड में था, डायरेक्शन वन, डायरेक्शन टू, थिन फीचर्स एंड द सेलेक्टेड कंटूर्स। सो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन वन की। सो इस रिवॉल्व को मैंने डिलीट किया और यूज किया रिवॉल्व ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, ठीक है।
जो डायरेक्शन वन है वहां पे भी सिलेक्टेड किया है ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब जो भी एंगल होगा आप डिफाइन कर सकते हो ड्रैग करके भी, ठीक है, कि आपको जो एंगल चाहिए उस एंगल पे उसको आप क्या कर सकते हो ड्रैग करके डिफाइन कर सकते हो, करेक्ट है, 250 डिग्री या 270 डिग्री, वॉट एवर वन, ठीक है, ब्लाइंड है। या हो सकता है अप टू द वर्टेक्स, यानी कोई वर्टेक्स हो वहां तक ले जाना हो, ठीक है, अप टू द सर्फेस, कोई सर्फेस हो वहां तक रिवॉल्व करना हो, ऑप्शन, यानी कि ये सारे ऑप्शंस वही है जो उस तरीके से आप एक्सट्रूड में यूज करते थे। सो मैं क्या करता हूँ यहीं पे क्लिक करके इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। अगेन मैंने इस फेस को सिलेक्ट करके एक स्केच बनाता हूँ यहाँ, ठीक है। यहाँ बहुत ही सिंपल वे में एक मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट स्केच फॉर्म कर लेता हूँ, जैसे ये, और फिर ये, और फिर ये, करेक्ट, ट्रिम कर दिया एक्स्ट्रा एजेस को, कि हमें ये नहीं चाहिए था, 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 और ये भी नहीं चाहिए था, ठीक है। जो एक्स्ट्रा एज हो रहे थे उसको भी मैंने डिलीट करके हटा दिया, ठीक है, कुछ एक आई सेक्शन बनाया, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, एक एक्सेस चाहिए था, तो उस एक्सेस को भी मैंने यहाँ से ड्रा कर दिया, इसके से बाहर आ गया। हमें इस ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करना था, सो हम क्या करेंगे, रिवॉल्व ऑब्जेक्ट, इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, अब उसके साथ वो होने लगा रिवॉल्व। अगर आप ओके कर दोगे तो कुछ इस तरीके का रिवॉल्वेशन आपको दिखेगा, ठीक है। अगर आपको ओके नहीं करना, किस तरीके से और टाइप का ऑब्जेक्ट लगाना है, तो उसके लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। रिवॉल्व एक्सेस सेलेक्ट किया, ठीक है, डायरेक्शन हमने ब्लाइंड नहीं रख के, हमने रख दिया अप टू द सर्फेस, यानी कि जिस सर्फेस तक जा रहे हो वहां तक रिवॉल्व हो जाए, ठीक है। किस तरीके से यूज कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ऑफसेट फ्रॉम द सर्फेस, यानी कि जिस सर्फेस को आप सेलेक्ट कर रहे हो उससे कुछ डिस्टेंस पे वो जाके रुक जाए, समथिंग लाइक 10 20 वॉट एवर इज दैट, ठीक है, देख रहे हो 10 20 जो भी आप डिस्टेंस दोगे उससे पहले वो आगे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। सो वही ऑप्शन सारे होते हैं, मिड प्लेन है तो लेफ्ट राइट दोनों इक्वल जाएगा, डायरेक्शंस टू इनेबल करते हो तो वही सारा ऑप्शन आएगा जो आपको डायरेक्शंस वन में अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। सो इस तरीके का यूज करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिवॉल्व कर सकते हो, करेक्ट। ये है किसमें, सॉलिड के फॉर्म में। अगर आपको सॉलिड के फॉर्म में नहीं इसको हॉलो रखना है तो आप क्या करोगे, आपको करना होगा थिन फीचर्स अप्लाई, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कर दिया आपने रिवॉल्व, एक्सेस सेलेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, हमने कह दिया थिन फीचर ऑन, ठीक है, हमने कह दिया कि अप टू द सर्फेस तक ही तो जाए, यहाँ तक ही जाए, बट हमने रखा थिन फीचर्स ऑन, ठीक है। थिन फीचर्स ऑन रखने का मतलब क्या है, कि अगर मैं स्टॉप पे चलूँ तो ये हमने आई सेक्शन बनाया था ना, उस आई सेक्शन के इस साइड में ये एक और आई सेक्शन फॉर्म कर दिया है, बट किस डिस्टेंस पे, 10 के डिस्टेंस पे। इस डिस्टेंस को आप रिड्यूस कर सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन सेलेक्ट इट। अभी क्या सिलेक्टेड है, वन डायरेक्शन, यानी कि जिस भी स्केच से ये टू डिस्टेंस है ना वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है, आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो रिवर्स कर सकते हो, ठीक। हमने रखा मिड प्लेन, मिड प्लेन भी दे सकते हो कि जो भी स्केच है उस स्केच से इक्वली डिवाइड हो जाए, यानी टू है तो वन इधर या वन इधर, या आप चाहते हो अलग अलग रखना तो टू डायरेक्शन कर सकते हो, कि एक टू है तो एक को वन रख दो, ठीक है, एक को कुछ भी, यानी जिस तरीके से आप डायमेंशन चाहते हो वो आप अप्लाई कर सकते हो और मेक इट ओके कर सकते हो। तो वो रिवॉल्व तो होगा यहाँ से तो क्लोज दिखेगा, लेकिन वो अंदर से क्या है, हॉलो है। चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, सेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, सेक्शन में इसको थोड़ा सा एंगल पे आप दिखा सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है कुछ ऐसे फॉर्म में कटा हुआ है, करेक्ट। सो इस तरीके से आप यहाँ पे आप रिवॉल्व अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, थिन फीचर सेलेक्ट कर दिया, आप कह रहा है सेलेक्टेड कंटूर। सेलेक्टेड कंटूर्स एक सिंपल वे में है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में कई सारे अगर आपने ऑब्जेक्ट बना रखे हैं तो वहाँ पे आप कंटूर्स यूज करते हो। जैसे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस स्केच को ही मैं एडिट करता हूँ, करेक्ट। अब ये आई सेक्शन आपने बनाया है, इसी के अंदर मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, इसके से बाहर आए, कह दिया रिवॉल्व इस एक्सेस के अबाउट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व हो जाएगा, और साथ में क्या देख रहे हो, ये सर्कल भी रिवॉल्व हो रहा है। अगर ओके करो तो देखते हैं क्या रिवॉल्व होता है, मैं आपको यहाँ पर शो कराता हूँ कि इसमें ये जो सर्कल है वो हॉलो फॉर्म में क्या हुआ, कट, यानी कि वो मटेरियल क्या कर दिया, ऑटोमेटिक उसने रिमूव कर दिया, ठीक है। सो अगर आप चाहो तो यहाँ से एडिट करके सिर्फ सर्कल को ही आप एक्सट्रूड कर सकते थे, यानी कि सिर्फ इस स्केच को सेलेक्ट करके
आप रिवॉल्व कर सकते थे, यानी सिंपल सिर्फ वही बॉडी रिवॉल्व होती है और कुछ रिवॉल्व नहीं होता, या सिर्फ आई सेक्शन वाले को सेलेक्ट कर सकते थे। यानी कंटूर का मतलब क्या हुआ, जिस पे क्लोज एरिया का आपको सेलेक्ट करना चाहते हो उस एरिया को आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस रिवॉल्व में अगर आपको मटेरियल रिमूव करना हो तो आप क्या करोगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मटेरियल रिमूव करने के लिए क्या यूज करोगे, रिवॉल्व कट फीचर से सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा जो भी कॉन्सेप्ट आपने रिवॉल्व में यूज किया, सेम वही, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, मटेरियल रिमूव हो जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, आप सेक्शन काट के देख सकते हो किस तरीके से आपके मटेरियल्स कटे हुए हैं। ठीक है, जितना थ्रू आउट जाओगे उतना वो आई सेक्शन आपको दिखेगा, करेक्ट है। तो इस तरीके से आप मटेरियल रिमूव भी कर सकते हो, वो रिवॉल्व कट के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, एक और बात मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, हमने किया रिवॉल्व, ठीक है, एक्सेस दिया ये सेलेक्ट, अभी ये रिवॉल्व हो रहा है, आपने सेलेक्ट किया है मर्ज रिजल्ट। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अप टू द सर्फेस, इस सर्फेस तक ही जाता हूँ, अगर मर्ज रिजल्ट पे क्लिक है और ओके कर दिया है आपने, तो क्या होगा, ये दोनों एक ही बॉडी की होगी। यहाँ पे देख रहे हो ना, सॉलिड बॉडी, सॉलिड बॉडी सिर्फ एक दिखेगा वो ये। ठीक है, अगर आपने मर्ज रिजल्ट को अनचेक कर दिया है तो ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, यानी ये एक बॉडी होगा और ये एक बॉडी होगा। कैसे पता, यहाँ पे देखो सॉलिड बॉडी अभी टू आ रही है, यानी एक ये वाला ऑब्जेक्ट और एक ये वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टी बॉडी कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो दैट्स इट विद द रिवॉल्व कमांड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं बताऊंगा कि रिवॉल्व कमांड के यूज से किस तरीके से आप कॉम्पोनेंट बनाते हो। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर आप नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सो बाय गाइस।